Yes, the examination I will do. How this is transformed by the design of the Transform 5000 MSME into 500 crore company before 31st December 2027. Our mission is develop system and management in all organized organizations. Our goal is providing necessary knowledge and skills to achieve all personal and professional goals. Is to build 5,000 company working with 50,000 team and 100 company before 31st December 2027. Our core purpose is to develop Indian businesses. Our value and believes in learning, confidence, excellence, creativity and keep learning. Our tagline, we mean business. This year target 10 year. Net profit will be this year. Power of unity, power of submission, power of association, power of submission, power of appreciation, power of admission. आज का जो योगा डे है वो योगा डे का सेलिब्रेशन हम लोग साथ में मिलकर करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कितने लोग पहले तो ऐसा है कि जो योगा करते हैं या योगा के बारे में जानते हैं, बहुत बढ़िया, 2 से 3 लोग, बाकी सब लोगों के लिए नया है। तो नॉर्मल फॉर्मल प्रैक्टिस ही अपने करने वाले हैं, प्राणायाम से अपने स्टार्ट करेंगे और प्राणायाम से आगे की पूरी कोशिश करेंगे। मोबाइल है वो सब लोग साइलेंट कर दीजिए कि किसी का फोन जो है वो बजे नहीं, डिस्टर्ब। चलिए प्राणायाम की प्रोसेस सबसे पहले हम शुरू करेंगे। और प्राणायाम की प्रोसेस शुरू करने के लिए हमें 5 से 10 बार जितना जिसकी कैपेसिटी है, लेकिन शॉर्ट टाइम के हिसाब से अपने हर एक्टिविटी को 5 टाइम करेंगे और 5 टाइम के अंदर उसको बोलेंगे। तो सबसे पहले अपने को गहरी श्वास लेनी है और गहरी श्वास जो है उसको निकालना है और ऐसा करना है 5 बार आराम से। अपनी हाथ जो है उसकी मुद्रा इस तरीके से बना लीजिए आगे की पोजिशन के अंदर, आँखें बंद करना है और अपने नाकों से श्वास लेना स्टार्ट कर। 1, 2, 3 स्टार्ट। सेम एक्टिविटी दोबारा हम फॉलो करेंगे। इस बार जब हम श्वास लेंगे तो हम अपना श्वास लेने के बाद कुछ सेकंड के लिए हम अपना श्वास जो है उसको रोकेंगे और रोकने के बाद फिर उसको बाहर निकालेंगे। 5 टाइम फिर से रिपीट।
नेक्स्ट एक्टिविटी हम करेंगे, हमारी हाथों की जो मुद्रा है उसको हमें इस तरीके से रखना है सभी लोग। ये हाथ जो है उसको हमें लेना है आंखों के ऊपर, और ये जो हमारे थंब है उसको हमें डालना है हमारे कान के अंदर, और हमें ओम का प्रोनाउंसिएशन करना है अपने अंदर की श्वास से, अंदर की साइड से, और उसका हमें वाइब्रेशन क्रिएट करना है और उसको सुनना है आराम से। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटीज जो हमने को करनी है उसके लिए हमें अपने हाथों की जो मुद्रा है उसको हमें इस तरीके से सेट करना है। देखिए, नोज जो है लेफ्ट और राइट उसकी जगह अपने को जो पोजीशन रखनी है, एक पोजीशन यहाँ रहेगी एक पोजीशन यहाँ रहेगी लेफ्ट और राइट। तो सबसे पहले हम लेफ्ट जो रहेगा नोज वहां से अपने श्वास लेना है, और राइट वाला जो है वहां से अपने को निकालना है, फाइव टाइम करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। राइट से लेके लेफ्ट से फिर निकालना है। रिलैक्स रहना है, बॉडी को रिलैक्स रखना है और आराम से सारी चीजें करनी है। हमें कोई भी चीजों को जल्दबाजी में नहीं करना है, जितना रिलैक्स बॉडी होगी उतना अपने लिए अच्छा है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी जो अपने को करनी है, अपने को करना है श्वास अंदर लेना है, और श्वास अंदर लेते ही अपना जो पेट का एक्टिविटी है उससे अपने को इस तरीके से करना है। गहरा सांस लेना है और आराम से रिलैक्स करना है। अब जिस तरीके से
सांप जो होते हैं वो जिस तरीके से श्वास लेते हैं उस एक्टिविटीज के अंदर हमें प्राणायाम करेंगे और वहां से हम श्वास लेंगे। तो हमें अपना जो जीभ जो है उसका जो टोन है उसको हमें इस तरीके से प्लान करना है और आगे की साइड से हमें अपने श्वास जो है उसको इसी तरीके से खींचना है, फिर नाकों से निकालना है। बराबर देख लीजिए एक बार, आपको पता चलेगा। फाइव टाइम करेंगे, जब हम श्वास लेंगे उसके बाद हम उसको होल्ड करेंगे, होल्ड करके हम अपना राइट वाला नोज जो है उसको ब्लॉक करेंगे और लेफ्ट वाले से हम निकालेंगे। ओके, फिर से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटीज जो अपने को करनी है वो अपने को दांतों से श्वास लेना है और दांतों से श्वास लेने के बाद फिर हमें नाकों से निकालना है इस तरीके। अब हमें गहरी श्वास लेनी है और जितनी हमारी क्षमता होगी उस क्षमता के हिसाब से हम होल्ड करेंगे और होल्ड करने के बाद लेफ्ट वाले नोज से हम उसको निकालेंगे। फाइव टाइम करना है। लॉक हमें बॉडी को इस तरीके से करना है, यहां पर प्रेशर करना चाहिए जहां से ये ब्लॉक हो जाए। फिर आराम से के लिए ध्यान में बैठना और ओम का उच्चार करना है अपने अंदर से। एक गहरा श्वास लेना है, उसके बाद फिर आपको ध्यान में बन जाना है। जब आप ध्यान में जाने वाले हो उस टाइम पर आपको प्रयत्न ये करना है कि आपकी जो नजर है वो आपके ये सेंटर पॉइंट के ऊपर आए और वहां पर जाकर आपको फोकस करना है। यहाँ से ये वाला जो आपका यंत्र है वो ओपन होना शुरू।
अब हम फिर से सेम एक्टिविटी करेंगे और साथ में हम ओम का उच्चार करेंगे एक साथ मिलकर। श्वास गहरा लेना है, ओम बोलना है और साथ में ध्यान करना है। स्टार्ट करते हैं। अब हम सभी लोग ध्यान की मुद्रा में बैठेंगे और साथ में हम अफर्मेशन करेंगे। तो जो अफर्मेशन हम LDB प्रोग्राम के अंदर लोगों को बताते हैं वही अफर्मेशन आज हम सब लोग साथ में मिलकर सुनेंगे। तो किसी मोबाइल के अंदर अफर्मेशन आप लगा दीजिए और यहाँ पर रख दीजिए सेंटर में और सभी लोगों को रिलैक्स होकर बैठना है, सो नहीं जाना है। Thank you.
सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज जो अपना एक्टिविटीज था वो योगा डे और योग डे जो अपना बोला जाता है कि वर्ल्ड के अंदर जो हमने फेमस किया है उसी पर्पज से आज के दिन में हमने ये एक्टिविटी की। और मॉर्निंग के अंदर मैं खुद मेरे बेटे को लेकर स्कूल में रखने की मेरी ड्यूटी रहती है, मैं गया था और वहाँ पर वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उसी टाइम पर मेरे माइंड में विचार आया क्यों ना ये सेलिब्रेशन हमने भी किया। बस आप लोगों को शेयर करना है कि आपका एक्सपीरियंस आप लोगों को कैसा रहा और योगा एक इंसान की लाइफ में क्या कंट्रीब्यूट करता है, क्यों ज़रूरी है। और जो भी स्टार्ट कर रहा है उसका वीडियो ले सकते हैं। यस अपन भाई कौन स्टार्ट कर रहा है, आज का एक्सपीरियंस क्या रहा और ये क्यों ज़रूरी है। हमारे बहुत सारा और योगा हमारी डेली लाइफ में करना चाहिए क्योंकि अपने को इससे तो अपने अंदर की जो नेगेटिविटी वो दिन के पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और किसी और अपना पूरा जो दिन का शेड्यूल है वो अच्छा रहता है और अपनी जो एक्टिविटी रहती है उसमें हम एक्टिव रहते हैं, इसलिए अपने वो और अपनी मेन चीज़ जो है अगर हम योगा करेंगे तो अपन फिजिकली फिट रहेंगे मेंटली फिट रहेंगे, इसलिए अपने योगा के लिए करना चाहिए। मैं कभी नहीं किया पर्सनल फर्स्ट डे, बाकी इंटरनेशनल योगा डे आता है तो बहुत करते हैं कभी कभी स्कूल में कॉलेज। आज हमने योगा नहीं किया है, आज हमने प्राणायाम किया क्योंकि योगा के लिए थोड़ी बड़ी स्पेस चाहिए, बड़ी जगह चाहिए, वो सेटअप उतना नहीं चाहिए। जो ये चीज़ था उससे एक लेवल ऑफ आपका माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, सर ने जो चीज़ बोला वो है ही, लेकिन आपका एक माइंड भी स्ट्रॉन्ग होता है, आप खुद के लिए इस चीज़ों में थिंक कर पाते हो कि आप कहाँ गए, इसमें आपकी कैपेबिलिटी भी शो अप होती है। जो मेंटल स्ट्रेस होता है दिल रोज की भागदौड़ में वो
सर आजकल के टाइम पे ये फास्ट लाइफ हो रही है तो इसको हम लोग प्राणायाम और योगा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जो प्राणायाम है वो हमारा मानसिक जो मांसपेशी है उसको मजबूत करता है, तो ये हमारे हेल्प करता है स्ट्रेस को लो करने में और एकाग्रता बढ़ाता है, और साथ में योगा हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। कुछ बातें हैं तो इसके ऊपर मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। हम जिस देश में रहते हैं उस देश के अंदर ऑलरेडी गर्माहट रहती है, मतलब यहाँ पर ठंडी जो होती है ना उसकी मात्रा खाली सीजन तक ही रहती है, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम जो है ना वो गर्माहट रहती है। तो हमारी सबकी बॉडी जो बनी हुई है ना वो उस तरीके से बिल्ड की हुई है कि हम नेचर के साथ जुड़े, और नेचर के साथ जो हमें अपना लगाव लगाना है वो हम लगा पाते हैं प्राणायाम के जरिए, योगा के जरिए। और प्राणायाम योगा करना लाइफ के अंदर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस तरीके से हमारी फिजिकल बॉडी है उसी तरीके से हमारी मेंटल बॉडी, और मेंटल बॉडी को अगर हमें स्ट्रांग करना है, जैसे कि आज यहाँ पर इतना टाइम बैठना ये भी बहुत सारे लोगों को अभी दिक्कत कर रहा होगा, जो पैर है ना वो पूरे जाम हो गए होंगे, और बोलते हैं ना गुजराती में कहवा ना खाली चढ़ी गई है, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें करनी ही बंद कर दी, और ये सारी चीज़ें करने बंद होने के कारण हमारी बॉडी जो है ना वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और आज जो काम करने का हमारा तौर तरीका रहता है पूरा दिन हमें किसी ना किसी चीज़ों का प्रेशर रहता है, टारगेट का प्रेशर रहता है, काम का प्रेशर रहता है, लाइफ का प्रेशर रहता है, तो ये सारी चीज़ें जो बाहर से हमारे ऊपर हैवी हो रही है ना उसके सामने लड़ने के लिए हम फिजिकल हमारी बॉडी को हम तैयार कर सकते हैं, लेकिन उससे भी पावरफुल जो होता है वो होता है हमारा मन, और हमारी अंदर की जो अंदरूनी ताकत जो होती है वो जो जगाने का काम करता है वो योग और प्राणायाम करता है। आप सभी लोगों को पता होगा कि श्वास सबसे ज्यादा लेने का और छोड़ने का काम कौन करता है, स्पीड में नहीं। नेचर के अंदर अगर हम बात करें तो डॉगी की बात करते हैं, तो डॉगी का काम आपने देखा होगा वो फटाफट श्वास लेगा फटाफट छोड़ेगा, तो उसी के कारण उसकी लाइफ साइकिल अगर आप देखोगे ना तो बहुत कम है। और उसी के सामने कछुआ होगा जिसकी लाइफ स्टाइल आपको पता होगी कि मिनिमम 300 साल 1000 साल या 3000 साल से भी ज़्यादा लोग होते हैं, तो उनका जो श्वासोश्वास लेने का जो तौर तरीका होता है वो बहुत धीमा होता है। तो कई बार हम बाहर की साइड से बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं लेकिन हम अपनी अंदर खोज नहीं करते, और हम बार बार जो बोलते हैं ना आई एम द चैम्पियन, इसका मतलब ही ये होता है कि आपके अंदर कोई है जो आपसे बात करता है, पर ये आपको फील तब होता है जब आपको सही या गलत करने के लिए जाते हैं। आपको खुद को ये फील हुआ होगा कि आपकी बॉडी कुछ टाइम के लिए है ना वाइब्रेट होती है, आपका बॉडी जो है ना वो आपको सपोर्ट नहीं करता है, पर आपके अंदर से एक आवाज़ निकलती है। लेकिन आज की दुनिया में इतनी सारी आवाज़ बाहर से हो रही है ना, तो हम कहीं ना कहीं अपनी अंदर की आवाज़ जो है ना उसको सुननी बंद कर दें। तो ये आधा घंटा है, 15 मिनट है, 10 मिनट है, 5 मिनट है, मैं तो बोलता हूँ 2 मिनट से शुरुआत करें, क्योंकि 2 मिनट में कुछ ज़्यादा नहीं होने वाला है, 5 मिनट से शुरुआत करें। लेकिन ये एक बार जब आप आदत बना दोगे तो ये चीज़ आपको लाइफ लॉन्ग काम लगेगी। आज हम सब लोगों की बॉडी ऐसी है कि हमें अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारी एनर्जी है, लेकिन जैसे ही आप 30 साल 40 साल 50 साल के हो जाओगे
उसके बाद आपकी अंदर की बॉडी जो क्या है ना, वो आपको एक्चुअल में सपोर्ट करेगा। तो अभी से हमें अपनी बॉडी को उस लेवल पर मजबूत करना जरूरी है कि आगे आने वाली जितनी भी हमारी लाइफ की जो चैलेंजेस है उसका सॉल्यूशन हम कर सकें। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा कि हम सभी लोगों ने साथ में मिलकर इसको सेलिब्रेट किया और छोटे लेवल पर ये इनिशिएटिव ले लिया। और मैं चाहूँगा कि हमारी रोज की जो एक्टिविटीज है उसके अंदर भी कुछ ऐसी नवीनता है, क्योंकि रोज का एक रूटीन जो है वो कहीं ना कहीं 4-5 एक्टिविटीज के डायरे के अंदर हम बंद गए और हमारा माइंड फिक्स हो चुका है कि हमें यही करना। लेकिन हम जिस काम के अंदर है और जो काम हमें करने के लिए ऊपर वाले ने मौका दिया है, वो काम में क्रिएटिविटी चाहिए, वो काम में नवीनता चाहिए। और उस काम के अंदर आप मेंटली जो है ना वो स्ट्रांग बहुत होने जरूरी है, क्योंकि हमें यहाँ पर हाथ पैर चलाने नहीं, हमें यहाँ पर हमारा माइंड चलाना, और हमारे माइंड को चलाने के लिए माइंड का जो वार्म अप करने का काम करता है वो ये प्राणायाम करता है, योगा करता है, मेडिटेशन करता है। तो ये सारी चीज़ें आज के दिन में हमने की, इसको हमें कंटिन्यू करना है। तो आज हमारा याना से ये वर्कआउट था, लेकिन आज हम सब लोग एक प्रण लेते हैं और ये प्रण हमारा ये रहेगा कि अगले 365 दिन मैं रोज सुबह उठकर आधा घंटा एक घंटा मैं अपने आप को दूंगा, मतलब दिन की शुरुआत मैं मेरे अपने आप से स्टार्ट करूंगा और उसके बाद बाकी का टाइम मैं मेरे काम को, मेरे परिवार को, बाकी सारी एक्टिविटीज के अंदर, क्योंकि जो चीज आप खुद के लिए नहीं कर सकते हैं वो चीज आप किसी और के लिए नहीं कर सकते। तो हम सब लोग मिलकर ये प्रण लेते हैं और ये चीजों को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट ईयर जब अपना योगा डे आएगा उसको बड़े लेवल पर हम सेलिब्रेट करेंगे और वहां पर एक घंटे का टाइम हम अपने आप को देंगे और सारे योगा जो होते हैं उसको हम प्रैक्टिस में लेकर। सो थैंक यू सो मच कि यहाँ पर अपना जो आज का दिन का एक्टिविटीज था वो हमने कंप्लीट किया और यही एक्टिविटी आगे भी हम कंटिन्यू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।